everyone. Welcome to an academy. This is Arti Mishra, one of the verified educator. आप देख रहे हैं Environment and Ecology का crash course. आज के lesson में हम बात करेंगे eutrophication की. Eutrophication से पहले हमें ये समझना है कि ये क्यों इतना important है. और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर कभी लेक में जमा हो जाएं तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं. बेसिकली पानी जो है वो समझ लीजिए बहुत गंदा हो गया है और अब उसको हमें साफ करना है. तो अब इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसमें किया जा सकता है फ्लशिंग की जा सकती है विद न्यूट्रिएंट पुअर वाटर्स. फ्लशिंग अगर हो तो उससे ठीक हो सकता है, या डीप वाटर एब्स्ट्रैक्शन हो सकते हैं, उसकी सफाई करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जा सकता है. जैसे कि इसमें पी एलिमिनेशन होता है या फ्लोकुलेशन होता है या फ्लोटेशन भी कहते हैं, जिसके द्वारा जो वाटर है उसको क्लीनिंग की जाती है. इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि ऑन साइट एल्गे रिमूवल भी होता है बाय फिल्टर्स बाय पी एडसॉर्बर्स. तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स को कम किया जा सकता है. अब हमारा जो टॉपिक है वो है यूट्रोफिकेशन. ये यूट्रोफिकेशन क्या है, ये बना है एक ग्रीक वर्ड से जो है यूट्रोफिया. यूट्रोफिया का मतलब होता है एडिक्वेट एंड हेल्दी न्यूट्रिशन. और यहाँ जो हम यूट्रोफिकेशन की बात कर रहे हैं वो एक सिंड्रोम है, एक इकोसिस्टम का ऐसा सिंड्रोम जिसके द्वारा जो आर्टिफिशियल और नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं लाइक नाइट्रेट्स या फॉस्फेट्स वो ऐड हो जाते हैं पानी में. ये कैसे ऐड होते हैं, फर्टिलाइजर्स, सीवेज या दूसरे किसी तरीके से ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में घुल जाते हैं और उसे गंदा कर देते हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए कि यूट्रिफिकेशन हो जाए तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है. मान लीजिए कि अगर यूट्रिफिकेशन होगा तो इससे क्या होगा कि सन की जो एनर्जी है, सन की जो लाइट है वो पानी तक जब पहुंचेगी तो वो पूरी तरह से तक नीचे तक पेनिट्रेट कर नहीं पाएगी और हम देखेंगे कि नीचे के लेवल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. जब भी यूट्रोफिकेशन होता है तो यूट्रोफिकेशन से फूड का लॉस होता है, हैबिटेट का लॉस होता है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन का भी लॉस होता है. ये किसी भी तरीके से हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो बढ़ने लग गए हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है जो कि अनइवनली ऐड होता जा रहा है और इसकी वजह से एल्गाई बूम हो रहा है. एल्गाई बूम जो है वो कई बार अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है. कई बार ये जो एल्गाई है ये मर भी जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, तो इसको हम एल्गाई डाई कहते हैं और फिर ये डीके होने लग जाता है और फिर ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है. प्लांट डीके होता है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब एक्वाटिक प्लांट हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं. इनके ऊपर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. यूट्रोफिकेशन होता कैसे है, ये एक या दो दिन में होने वाली चीज नहीं है, ये एक बहुत लंबा टाइम एंड डिकेड्स का प्रोसेस है. जैसे कि आप यहाँ देखिए, पहले जो ये पानी था ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे सेडिमेंट्स जमा होते जा रहे हैं, अब गंदगी जमा होती जाएगी. धीरे धीरे क्या होगा कि लोगों ने फैक्ट्री खोल ली, घर बना लिया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया, अब उसका सारा का सारा वेस्ट कहाँ आ रहा है, सारा का सारा वेस्ट इस लेक में आ रहा है. तो धीरे धीरे यहाँ पे हम देखेंगे कि सेडिमेंट यहाँ तक बढ़ गए, जो सेडिमेंट यहाँ इतने से थे वो यहाँ इतने ज्यादा हो गए. अब ये जो सेडिमेंट है वो बहुत बढ़ गए हैं, इसकी वजह से जो पानी का लेवल है वो कम हो गया है और अब इसके वजह से जो इसमें रहने वाली मछलियाँ हैं और जो प्लांट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहे हैं. यहाँ पानी देख रहे हैं ये थोड़ा फ्रेश था, लेकिन यहाँ पे पानी फ्रेश नहीं है, अब यहाँ पे जो फिश है, बत्तख है वो नहीं रह सकते हैं, अब ये जो पानी है बहुत खराब हो गया है. इसकी वजह से हम देखेंगे कि कई सारी जो प्रॉब्लम्स है वो होंगी. देखिए कल्चरल यूट्रोफिकेशन की अगर हम बात करें तो इससे जो है हमारे इकोसिस्टम को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वो हमारे लिए एज अ ह्यूमन हमारे लिए भी अच्छा नहीं है. देखिए सनलाइट जो है, सनलाइट से एनर्जी मिलती है, अब देखिए न्यूट्रिएंट जो है वो लोड अप होने लग जाता है. कई बार क्या होता है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट जो है वो फर्टिलाइजर्स की वजह से या गंदगी की वजह से वो फ्लश हो जाता है और वो आकर के बह करके पानी में मिल जाता है. ये रेन वाटर के थ्रू आ सकता है या ये किसी भी दूसरे तरीके से आ सकता है. अब सारा गंदा पानी चला गया हमारे लेक में या वाटर बॉडी में. अब क्या होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे हम देखेंगे जो प्लांट यहाँ पर थे उन प्लांट्स को पॉल्यूशन मिल गया है, अब उसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुकने लगेगी और उल्टा जो दूसरे प्लांट्स है जो एल्गाए है वो सब ज्यादा वीड्स वगैरह ज्यादा बढ़ने लगेंगे. अब ये जो वीड है वो ज्यादा बढ़ने लगेंगे और इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन डिप्लीट होगा. जब एल्गाए बूम होता है तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन शुरू हो जाता है
क्योंकि जो एल्गार ब्लूम होता है उसकी वजह से सनलाइट प्रिवेंट होती है, सनलाइट अंदर नहीं आती है। क्योंकि देखिए यहाँ आप देखिए अगर ध्यान से, ये जो वाटर का सरफेस है यहाँ पे आप ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये जम गया है ऊपर। अब अगर ऐसे ये ग्रीन ग्रीन जमेगा तो वाटर की ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है, अब सनलाइट अंदर पेनिट्रेट कर नहीं पाएगी, सनलाइट यहीं पर रुक जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसके आगे बढ़ नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एल्गाई लेयर है, और ये जो एल्गाई लेयर है इसकी वजह से जो प्लांट्स है, जो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो फिश है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो डाई हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो फिर वो नीचे जाकर के बैठ जाते हैं और उसके ऊपर फिर डीकम्पोजर्स आ जाते हैं, और जो डीकम्पोजर्स है वो क्या करते हैं, वो और ज्यादा ऑक्सीजन को डिप्लीट करते हैं, वो जो डेड प्लांट्स है उनको और ज्यादा ब्रोकन डाउन करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इससे कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। तो इवन जो मतलब ऑक्सीजन का आप देखें कि यूज ज्यादा हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन कम हो रहा है बट उसका यूज बढ़ता जा रहा है, जो कि कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो यहां हम देख रहे हैं कि पानी किस प्रकार से, साफ पानी जो है फिर वो गंदा हो जाता है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, मान लीजिए कि यूट्रोफिकेशन हो रहा है तो इससे क्या चेंजेस होंगे, क्या इफेक्ट होंगे। सबसे पहले इकोसिस्टम तो बिल्कुल बदल जाएगा, बिकॉज हम देखेंगे कि एक डिट्रिटस लेयर जो है वो पॉन्ड में आ जाएगी, पॉन्ड एंड लेक्स में एक डिट्रिटस लेयर आ जाएगी। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में, वी कैन सी हियर, अगर आप यहाँ देखें तो जैसे कि ये जो पानी है यहाँ, अगर हम देखें कि बहुत ज्यादा एल्गाई ब्लूम हो रहा है तो ऊपर की जो लेयर है बस वही एक लेयर है जिसमें कि फिश रह सकती है, और बाकी के जो पूरा पानी है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। इसके वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाएगा, कई सारी इसमें जो है प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, राइट, कई सारी इसमें जो है प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो हम इसमें जो है अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स को समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेट्स डू इट। सी, हम यहाँ समझ रहे थे कि ये जो है ये एक ऐसा एरिया है जहाँ हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो गंदा होता जा रहा है, और उसका जो सरफेस है वो हम देख रहे हैं कि ये जो पानी है उसके जो सेडिमेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा एरिया ज़मीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक मार्शी सा लैंड बन जाएगा, कीचड़ वाला इलाका बन जाएगा, जो थोड़ा बहुत पानी यहाँ है वो पानी भी सूख जाएगा, वो पानी भी ख़त्म हो जाएगा। अब जब वो पानी जो है सूख जाएगा तो वो जो एक पहले एक एक्वाटिक इकोसिस्टम था वो बन जाएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, क्योंकि कम्युनिटी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, प्लांट कम्युनिटी बिल्कुल अलग हो जाएगी, जो पानी वाला इकोसिस्टम था वो खत्म हो जाएगा, सारी फिश जो है उनकी डेथ हो चुकी है। अब क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो एल्गाई ब्लूम होता है तो उसके वजह से क्या होता है, सनलाइट रेस्ट्रिक्ट होती है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं, और इवेंचुअली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के, उनकी सबकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, उनका लेवल काफी रिड्यूस हो जाता है, और इसी की वजह से स्पीसीज की शिफ्टिंग भी शुरू हो जाती है, और इकोसिस्टम बिल्कुल डिफरेंट सा दिखने लग जाता है। अब हम समझ रहे हैं हार्मफुल एल्गाई ब्लूम को, जो हार्मफुल एल्गाई ब्लूम है वो क्या है। देखिए एल्गाई ब्लूम क्या होता है पहले तो ये समझना चाहिए, एल्गाई ब्लूम्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये वाली जो इमेज है इसे जरा देखें। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि एल्गाई ब्लूम हो रहा है, दिस इज एल्गाई ब्लूम, इस इमेज में हम देख सकते हैं। ये जब एल्गाई ब्लूम होगा तो ये हमारी जो इकोसिस्टम है उसके लिए कई तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये हम देखेंगे। देखिए जब भी एल्गाई या फाइटोप्लांकटन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उससे एक कंपटीशन क्रिएट होता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत छोटे छोटे हैं, नेचुरली ये हर एक कोस्टल वाटर में पाए जाते हैं, और ये जो है वैसे तो ऑक्सीजन के मेजर प्रोड्यूसर होते हैं, फूड और ऑक्सीजन जो है इसी से मिल रहा है, और पानी के लिए काफी अच्छा है, एनिमल्स जो रह रहे हैं पानी में उनके लिए बढ़िया है। लेकिन जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो तो इनका डेवलपमेंट ठीक से चलता रहता है, सब कुछ सही रहता है, लेकिन कभी अगर ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लगे, रैपिडली ये बढ़ने लगे और इनका प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो जाए, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो हाई नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे एल्गल बूम, तब ये कहलाएगा एल्गल बूम। और जब ये ब्लूम हो जाएगा, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसके वजह से हम देखेंगे कि पानी का कलर चेंज होने लग जाता है,
अब कई बार ये जो है रेड या ब्राउन कलर का भी हो सकता है, वैसे ही अलग अलग कलर के होते हैं। अब ये जो ब्लूम्स हैं इसे हम रेड या ब्राउन टाइड भी कहते हैं। ज्यादातर जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो बहुत जहरीले होते हैं, और इसके वजह से फिश, बर्ड्स, मरीन मम्मल्स और ह्यूमंस अफेक्ट होते हैं, और वो अगर ये पियेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। ये जो टॉक्सिन्स हैं ये आसपास के जो सराउंडिंग है उसको भी सांस लेने में उसको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, और इसे हम कहते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम, HAB। HAB मतलब हार्मफुल एल्गल ब्लूम। तो ये हमने अब समझ लिया है। आज का जो टॉपिक है वो इतना